माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आई। जानकारी मुताबिक जम्मू कश्मीर से रेत बजरी भरकर ला रहे ट्रक ड्राइवरों से माइनिंग विभाग जबरन वसूली कर रहा है, जबकि पंजाब में क्रेशर इंडस्ट्री पहले से ही बंद हो चुकी है। विभाग की बाहरी राज्यों के क्रेशर कारोबारियों के साथ मिली वक्त का ही नतीजा है कि पंजाब की क्रेशर इंडस्ट्री बंद होने के बावजूद बाहरी राज्यों से माइनिंग और क्रेशर लाकर बेची जा रही है, जिसे लेकर क्रेशर कारोबार से जुड़े लोगों ने, ट्रक ऑपरेटरों ने रोष व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार और माइनिंग विभाग खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। मेरा नाम सुरेश कुमार है। क्या बात हुई आज यहाँ पर बैठे तुम? मैं सर इधर इस रोड पे 2 साल से चल रहा हूँ एंड आज मैं भर के आ रहा था। मेरे पास ये पूरे कागज है गाड़ी के और माल के एंड मेरे को इधर रोकाया था, इशारा दिया था, मैंने रोक दिया गाड़ी। कहाँ पर रोका? इधर ये माइनिंग के पास में इधर सामने रोक दिया गाड़ी। गाड़ी रोकने के बाद में मेरे को बोला कागज दो, मैंने कागज दे दिया सर। मेरा कागज गाड़ी का एकदम कम्प्लीट है सर। मेरे से बोले गए आज 5,000 रुपया दोगे तो आपको छोड़ूंगा, इना नहीं छोड़ूंगा। बाद में मेरे पास मैंने बोला मैं मेरे मालिक को फ़ोन करता हूँ, उसके बाद में सर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे पास से फ़ोन ले लिया, मालिक से बात नहीं करना है। अभी सर मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास 2-3 हज़ार पैसा था, वो 5,000 की डिमांड कर रहे हैं सर। झूठ मार कर रहे थे सर, हो गए आपके कागज में कोई मिस्टेक, मेरे सर कागज एकदम वेल हो गए। बाद में मैंने मेरे को वापस धमकाया और गाली गलौज किया सर, गाली गलौज किया। बाद में बोल रहे आपका पर्चा बनवा दूंगा, गाड़ी सीज करवा दूंगा, तो आपको मालिक को फोन नहीं करना है, आप मेरे को पैसा दो, पैसा दोगे तो गाड़ी का पर्चा नहीं बनेगा, इना पर्चा बना के सीज कर दूंगा। बाद में सर मेरी गाड़ी सीज कर दिया, इधर पर्चा बन गया गाड़ी का। ये बात हमेशा ही ऐसे करते हैं या पहली बार ऐसे किया? हमेशा ही ऐसे ही करते हैं सर, एंट्री दे के जाते हैं सर। अभी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करता हूँ सर, मेरी गाड़ी सीज कर दी है और अंदर खड़ा कर दिया इधर चौकी के बाजू में। सर इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर, ये रिश्वत ऐसे रोजाना लेते हैं। आज मेरे से बड़ी डिमांड कर दी, बड़ा मेरे पास पैसा नहीं है सर, 5,000 मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मेरे पास है तो 2-3 हज़ार है सर। इतना सरकार कहती है कोई भी करप्शन करता है अफसर तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लगता होगी कार्रवाई सर? अभी सरकार से मेरे निवेदन है इस अफसर पे कार्रवाई की जाए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਕੋਈ J&K ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਓ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ 50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਰੱਖੋ ਬੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਭਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੜਾਰ ਦੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ।
ਨਮਸਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਾਸਪਿਟਲ ਬੁੰਗ ਚ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।